बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अल्लाह पाक ने बहुत सी मखलूकात पैदा की है, जिनमें से सांप भी अल्लाह की एक मखलूक है। सांप के बारे में आप सभी जानते हैं कि सांप एक निहायत ही जहरीला जानवर है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सांप को अल्लाह पाक ने इस दुनिया में क्यों पैदा किया? अल्लाह ने हर मखलूक को किसी न किसी मकसद से पैदा किया है। हर मखलूक का कुछ न कुछ काम है, लेकिन सांप का ऐसा क्या काम है, हम आपको आज की इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। दोस्तों, इस दुनिया में जितने भी मखलूक है, वो किसी ना किसी तरीके से इंसान को फायदा पहुंचाती है। अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमाता है कि मैंने इस दुनिया की हर शय को इंसान के लिए पैदा किया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सांप इतना जहरीला जानवर है, इतना जहरीला होने के बावजूद भी वो इंसान को फायदा किस तरह से पहुंचा सकता है। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि वीडियो के आखिर में आप इस सवाल का जवाब जान पाएंगे कि सांप जैसे जहरीले जानवर को भी अल्लाह ताला ने बिना किसी मकसद के पैदा नहीं किया है। अल्लाह पाक ने इस दुनिया में हमें कैसे कैसे नेमतों से नवाजा है, हम अल्लाह की किन किन नेमतों को झुटलाएंगे जो अल्लाह ने हमें दी हुई है, और कुछ नेमतें तो ऐसी हैं जिनके बारे में हमें जानकारी भी नहीं है और वो हमें बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाती है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अनहु बहुत ही बड़े आलिम थे। इनके बारे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मैं इल्म का शहर हूँ तो अली उसका दरवाजा है। हजरत अली रदी अल्लाह ताला अनहु फरमाते हैं कि सांप एक ऐसी मखलूक है जो बहुत ज्यादा जहरीली है, लेकिन फिर भी वो इंसान को फायदा पहुंचाती है। एक मर्तबा एक शख्स ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अनहु से सवाल किया कि आप तो कहते हैं कि इस्लाम के मुताबिक अल्लाह ताला ने दुनिया की हर चीज को किसी न किसी मकसद से बनाई है, और दुनिया की हर चीज इंसान के फायदे के लिए पैदा की है, जो इंसान को कोई ना कोई फायदा जरूर पहुंचाती है। तो या अली रदी अल्लाह ताला अनहु, आप मुझे बताइए कि सांप में ऐसा क्या है जो इंसान को फायदा पहुंचा सकता है? सांप तो एक बहुत ही जहरीला जानवर है, इसके इतने जहरीले होने के बावजूद भी अल्लाह ने इसे क्यों पैदा किया है? उस शख्स की इस बात पर हजरत अली रदी अल्लाह ताला अनहु ने जवाब दिया, ऐ शख्स, बेशक सांप एक बहुत जहरीला जानवर है, लेकिन क्या तुम ये जानते हो कि अल्लाह ताला ने इसके मुंह में एक जहरीली थैली रखी है जो हवा में मौजूद जहरीली मादों को जब्ज कर लेती है। अल्लाह ने सांप को उन मादों को जब्ज करने की कुव्वत अता फरमाई है। जब भी सांप सांस लेने के लिए मुंह खोलता है, जो इंसान को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं और कई बीमारियों का शिकार बना सकते हैं, उनको उस थैली में जज्ब कर लेता है। अगर इस दुनिया में सांप नहीं होते तो इंसान उन जहरीले मादों की वजह से कई बीमारियों में मुफ्तिला होता। और आज 1400 साल के बाद इंसान ने भी इस बात को तस्लीम किया कि सांप के मुंह के अंदर एक ऐसी जहरीली थैली होती है जो हवा में जहरीले मादों को जज्ब करने की कुव्वत रखती है। और सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा सांप के जहर में कई खतरनाक बीमारियों का इलाज है। कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का इलाज भी सांप के जहर से किया जाने लगा है। सांप के जहर में खून को पतला रखने और खून के लोथड़े बनने से रोकने की कुव्वत अल्लाह ताला ने ही अता फरमाई है। आज से पहले तो यही सुना गया था कि सांप के जहर से इंसान की मौत हो जाती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि सांप के जहर से कई बीमारी का इलाज भी किया जाने लगा है। इस तरह से कहा जा सकता है कि सांप भी एक ऐसी शय है जो कई तरह से इंसानों को फायदा पहुंचाती है, और इससे ये साबित होता है कि अल्लाह ताला ने दुनिया में हर शय को किसी न किसी वजह से और इंसान के फायदे के लिए पैदा किया है। क्या आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हमें सांप को देखते ही मारने का हुक्म क्यों अता फरमाया है? अब आप ये सोच रहे होंगे कि जब सांप इंसान के लिए फायदेमंद है तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे मारने का हुक्म क्यों दिया है? दोस्तों, सांप इंसान के लिए फायदेमंद तो है, लेकिन सांप एक ऐसा जानवर है जो इंसान के लिए मोहलिक भी है और इंसान को देखते ही काट लेता है, और इसके काटने पर निहायत ही दर्द होता है और इंसान मर जाता है। अल्लाह पाक ने इंसान को अपनी हिफाजत करने का हुक्म अता फरमाया है, इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सांप से हिफाजत के लिए सांप को मारने के लिए कहा है। दोस्तों, अगर आप नमाज की हालत में भी है और वहाँ पर सांप और बिच्छू अगर आ जाए तो आप नियत तोड़ कर भी उनको मार सकते हैं, क्योंकि ये मूजी जानवर है। ये अगर आपको या किसी और को काट लेंगे
तो इंसान को तकलीफ हत्ता के मौत भी हो सकती है। इसलिए इंसान को बचाना ज्यादा जरूरी है और इसी वजह से सांप को मारने का हुक्म भी है। अब इसका मतलब ये भी नहीं कि कोई इंसान ये सुनकर सांप को मारने के लिए निकल पड़े। और इन्हें मारने का हुक्म इसलिए है क्योंकि ये दोनों बहुत ही ज्यादा तकलीफ देने वाले जानवर है जो बहुत ही जहरीले होते हैं। सभी सांपों में काला सांप सबसे ज्यादा खतरनाक माना जाता है। लेकिन क्या आपको ये पता है कि घरों के सांपों में हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का हुक्म कुछ अलग है। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि घर में जो सांप देखे जाते हैं उन्हें मारने से पहले आप उन्हें 3 बार धमका दे, उनसे 3 बार जाने के लिए कहे कि वो उस जगह को छोड़ दे, क्योंकि घरों में मिलने वाले सांप सभी सांप नहीं होते। उनमें से कुछ सांप ऐसे भी होते हैं जो जिन्नात की शक्ल में होते हैं। इसलिए आप घर में मिलने वाले सांपों को पहले 3 दफा धमका दे, क्योंकि घर में मिलने वाले सांप अक्सर जिन की शक्ल में आ सकते हैं। और ये बात मनगढ़ंत नहीं है बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रिवायत है। इसलिए आप घर में मिलने वाले सांपों को एकदम ना मारे, पहले उनसे 3 बार जाने के लिए कहे कि हमें परेशान ना करो और हमारे घर से चले जाओ और फिर कभी वापस हमारे सामने नहीं आना। अगर वो जिन शरीफ जिन हुआ तो 3 बार ऐसा करने पर वो जगह छोड़कर चला जाएगा। लेकिन अगर वो बदबख्त जिन हुआ या फिर वो जिन की जगह हकीकत में सांप हुआ तो वो 4थी बार में भी आपके सामने आएगा और वो उस जगह को खाली नहीं करेगा। तो फिर आप उसको मार सकते हैं ताकि वो आपको किसी भी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाए। एक बात ये भी है कि कोई भी जिन जब किसी और जानवर की शक्ल इख्तियार करता है तो उसको उस शक्ल में मारना आसान हो जाता है। अगर वो जिन होगा तो वहाँ से चला जाएगा, लेकिन अगर 3 बार धमकाने के बाद भी वो सांप वहाँ से नहीं जाता तो इसका मतलब वो जिन नहीं है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अल्लाह ताला ने सांप को क्यों पैदा किया और इस बात को भी अच्छी तरह से जान गए होंगे कि इस दुनिया में अल्लाह ने सभी शय इंसान के फायदे के लिए बनाई है जो इंसान को फायदा पहुँचाती है। हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि अल्लाह ताला ने कितनी नेमतों से हमें नवाजा है। इसी के साथ हमारा आज का ये वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और अपने तमाम दोस्तों रिश्तेदारों के साथ इस वीडियो को शेयर भी कर दें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम अल्लाह हाफिज़।